11th today we are going to start our fourth chapter that is Albert Einstein at school by Patrick Pingle. In the story Patrick Pingle describes the life of greatest physicist since Newton and this is an extract from his book The Young Einstein. Uh, the well-known biographer we all know that, here patrick pingle he describes patrick pingle describes the circumstances which led albert einstein expulsion from the german school means उनके childhood के time की बात है कि वो अपने school से निकाल दिए गए थे उसका क्या reason था इस chapter में हम वो story पढ़ेंगे वो incident उसकी जो life का incident है वो describe किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेट अस स्टार्ट आ चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर दिस इज़ द कन्वर्सेशन आई वांट टू टेल यू दैट कन्वर्सेशन बिटवीन द हिस्ट्री टीचर एंड आइंस्टाइन अब वो अपनी क्लासरूम में है और उनका हिस्ट्री टीचर आइंस्टाइन के जो टीचर हैं वो उनसे क्वेश्चन रेज करते हैं ओके लेट स्टार्ट इन वट या आइंस्टाइन एज द हिस्ट्री टीचर इट द प्रेन डिफीट द फ्रेंच वॉर एट फ्रेंच एट वट लू I don't know, sir. Why don't you know? You have been told it often enough. I must have forgotten. Did you ever try to learn? asked Mr. Baron. No, sir, Abbott replied with his usual unthinking honesty. Why not? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. Mr. Baron was speechless for a few moments. You amaze me, Einstein, he asked at last. Don't you realise that one can always look most thing up in school, in books? That applies to all the facts you learn at school. Yes, sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts. Frankly, sir, I don't, said Albert. Then you don't believe in education at all. Oh yes, sir, I do. I don't think learning facts is education. So जैसे आप आ, हम हमारे माइंड में एज अ चाइल्ड एज जब हम स्कूल uh, टाइम में हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं जिसका जो हमारे फील्ड जो हम बनना ही नहीं चाहते जो हम करना ही नहीं चाहते उस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं बहुत से बच्चों के माइंड में ये बातें आती हैं जैसे लैंग्वेज होती हैं या फिर हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स हैं जो जो सिर्फ उस टाइम के डेट्स के बारे में ही है तो उसके बारे में आप आइंस्टाइन के भी यही व्यूज़ हैं जब उनके हिस्ट्री टीचर उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि रशिया ने आ, फ्रेंच को कब डिफीट किया वाटरलू का जो इनका वार हुआ था सो सिंपली आइंस्टाइन कहते हैं कि हिरानो दैन ई आस्क वाई डोंट यू नो यू हैव बिन टोल्ड इट इनफ कि तुम्हें क्यों नहीं पता आपको तो ये बार बार बताया गया है कितनी बार बताया गया है कितनी बार बताना पड़ेगा बार बार डोंट यू एवर ट्राई टू लर्न क्या तुम ये लर्न करने की कोशिश नहीं करते हो दैन नो सर अल्बर्ट रिप्लाइड विद यूजल अन थिंकिंग ऑनेस्टी अब अल्बर्ट जो है वो ऑनेस्टली रिप्लाई करते कि सर नहीं मैंने लर्न ही नहीं किए डेट्स कभी अब uh, सर कहते कि क्यों नहीं किए देन ही सेज कि मुझे इसमें कोई पॉइंट ही नज़र नहीं आता कि डेट्स जो हैं उनको लर्न करने की क्या ज़रूरत है डेट्स तो ऐसी चीज़ है कि अगर हमें उसके बारे में जानना है तो हम उसके बारे में बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिस चीज़ को हमें लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है वो हम कहीं से देख भी सकते हैं सो मिस्टर बड़ुआ जो है स्पीचलेस हो जाते हैं फ्यू मोमेंट्स के लिए एंड ही सेड कि यू मी कि तुम्हारी जो रिप्लाई है उससे मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें जो सारी चीज़ें वन कैन ऑलवेज़ लुक मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स जो बुक्स से ही कर लेगा फिर इंसान को अप्लाई करने के लिए कुछ लर्न करने के लिए कुछ फिर ज़रूरत ही क्या है जब सारी चीज़ें आपने बुक्स में से फैक्ट्स में से सर्च करके कर लेंगे फिर आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब देन ही सेट यस सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ लर्न करने में हमें कोई Uh, कोई फ़ायदा है किसी चीज़ को रटने में बिना जाने उसी चीज़ को सिर्फ हिस्ट्री में जो डेट्स हैं उनको रटने में मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है फ्रेंकली सर देन ही सेज़ दैट इसका मतलब तुम एजुकेशन में सिस्टम uh, में ही बिलीव नहीं करते हो ही सेट दैट ओ सर आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज़ एजुकेशन कि सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन मतलब कोई चीज़ सीखो नहीं लेकिन एजुकेशन जो है सिर्फ मगप करने सिर्फ रट्टा मारने की चीज़ नहीं है सिर्फ उस चीज़ को आ, सिर्फ हम क्रैमिंग कर रहे हैं बिना जाने किसी चीज़ को जैसे हम हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स को लर्न कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट एजुकेशन एट ऑल सो आइंस्टाइन बिलीव दैट कि एजुकेशन जो है फैक्ट्स की एजुकेशन है लर्निंग फैक्ट्स किसी चीज़ की जो सॉरी uh, फैक्ट्स uh, की एजुकेशन आई डोंट थिंक कि लर्निंग फैक्ट इज़ एजुकेशन कि सिर्फ जो हम फैक्ट्स को उनको रट्टे मार रहे लर्न कर रहे हैं आई डोंट थिंक कि दीज आर एजुकेशन ओके इन दैट केस एट द हिस्ट्री टीचर विद है सकाजम पर यू विल बी सो काइंड टू टेल द क्लास द आइंसटीन थियोरी ऑफ एजुकेशन अल्बर्ट फ्लश नाउ थी फेल्ट वेरी नर्वस दैट टाइम दैट वेन ही सैड दट कि History teacher a sarcasm, but, मतलब, है जो very sarcast बहुत मतलब अब उसके ऊपर कटख्श करते हुए कहते हैं कि perhaps तुम्हें लगता है कि the class को आपने Einstein theory of education बता बताओ फिर then he says that I think it's not fact that matter but ideas he said I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other दैन ही गिवस हिज रीज़न दैट कि आई डोंट थिंक कि फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन है मैं इससे ज़्यादा कि जो डेट्स हैं उनको बैटल्स की जो डेट्स हैं उनको लर्न करने से ज़्यादा और नंबर ऑफ आर्मी कितने मरे हैं कितने लोगों की डैथ होगी उसको लर्न करने से ज़्यादा मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि अगर ये रीज़न पता लग जाए कि दैट वाई दो शोल्जर्स व ट्राइंग टू के लीच अदर कि उसका जो मेन रीज़न है उसको उस चीज़ को जानने में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि वो लड़ाई का रीज़न क्या रहा वॉर का रीज़न क्या रहा रादर दैन कि उस वॉर में के किस तारीख को हुआ था किस डेट को हुआ था और कितने लोग मरे से ज़्यादा मैं उस फैक्ट को जानने की कोशिश करूँगा ओके दैट्स ए नाउ मिस्टर ब्राउन्स आईज कोल्ड एंड क्रूअल वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन You'll stay in for an extra pay today, although I don't imagine it will do much good. I won't do the school any good, either you are a disgrace. I don't know why you continue to come. Now so reply Einstein the history teacher very angry, very angry. And the history teacher, he told him that he doesn't want any lecture from Einstein. and he punished him he gave him a punishment to stay for an extra period today okay that day and then he said that he is a disgrace मतलब एक धब्बा ek disgrace hai school ke liye इस टाइप के बच्चे जो टीचर को disrespect करते हैं and he said that you should I don't know why you continue to come to school कि तुम रोज़ रोज़ स्कूल आते ही क्यों अगर तुमने पढ़ना ही नहीं होता है तुमने learn ही नहीं करना है ओके सो ऐसा कह के टीचर उसको डांट देते हैं ओके इट्स नॉट माय विश सर अल्बर्ट पॉइंटेड आउट इस पे अल्बर्ट का रिप्लाई होता है कि सर मैं अपनी इच्छा से नहीं आता हूँ ही इज देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे एंड जब इतना रिप्लाई आइंस्टाइन देते हैं तो सर और गुस्सा हो जाते हैं एंड उनको गुस्से में कहते हैं कि ठीक है तुम्हें इस चीज़ के लिए शर्म आनी चाहिए ओके एंड आस्क योर फादर आस्क योर फादर टू टेक यू अवे कि अपने फादर को बुला के तुम यहाँ से चले जाओ अल्बर्ट फेल मिजरेबल वेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे मोस्ट डेज व बैड नाउ एनी वे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस फॉर द नेक्स्ट प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग he only wished his father would take him away but there was no point in even asking he knew that what the answer would be he would have to stay until he had taken his diploma ab einstein jo the is baat se ab wo bahut zyada miserable feel kar le the ki unhe school jo hai he left the school that afternoon that time ab jab school se chutti hui to उन्हें next morning का वैसे लगा था कि इसी hateful place में आना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता था उनके father जो है उनको लेकर नहीं जाएंगे एंड ही हैड टू स्टे जब तक कि डिप्लोमा उनको नहीं मिलता उनको यहीं स्कूल में स्टे करना पड़ेगा क्या गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट शेयर हिम अप फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट अ रूम इन वन ऑफ द प्यरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट और इवन द डर्ट एंडलर बट He hated the atmosphere of slum violence. He uh, his landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. He, up uh, going back to his lodging did not cheer him up. Because his father had very little money. What capacity that Albert had? बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ़ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स अब क्योंकि अलबर्ट के पास एक छोटा सा रूम था पोरेस्ट क्वार्टर में जो कहाँ पर था म्यूनिक में था एंड ही डेंट माइंड एट बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट और इवन द डर्ट एंड स्क्वाइल जो वहाँ पर गंदगी थी उसम जो भी प्लेस था वहाँ का एटमोसफेयर ही हेटेड वो सब उसे नहीं बुरा लगता था लेकिन वहाँ का जो स्लम में वायलेंस था वो उसे ज़्यादा बुरा लगता था वहाँ का जो रहने का चाहे वो कमरा छोटा था कैसा भी था बट वहाँ के जो जिस एरिया में वो रहता था वहाँ के एन्वायरमेंट से उन्हें प्रॉब्लम थी हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर उनकी जो जिस रूम में वो रहते जिस मकान में उनकी जो लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को मारती पीटती रहती थी और हर सैटरडे उनके हस्बैंड शराब पी के आते थे और वाइफ को बीट करते थे सो दिस वॉज द Condition of the place where he used to live. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. Yuri is the friend of Einstein and he called him round the evening and at least you have a which is more than I can say. At least you room room

वो ड्यूल में होती है फाइट को बोलते हैं आपस में जो फाइट होती है सो ही सेट दैट कि उनमें से एक तो फाइट में मारा भी गया था लास्ट वीक ओके एंड वट हैपन टू द वन हु किल्ड हिम एंड वट अबाउट द पर्सन जिसने उसको मारा है अब ये अल्बर्ट उनसे क्वेश्चन पूछते हैं देन ही सेट दैट नथिंग ऑफ कोर्स इज इवन प्राउड ऑफ इट हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स नाउ इट्स एट दैट कि नथिंग कुछ नहीं हुआ ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट कहते हैं उसका क्या ना वो तो इस चीज़ से बड़ा प्राउड फील कर रहा है एंड उसकी वरी क्या थी दैट द अथॉरिटीज जो जो अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या बोला ही टोल्ड हिम नॉट टू फाइट सिर्फ इतना ही समझाया उसको कि दोबारा तुमने ड्यूल में फाइट नहीं करनी है

कि वो पर्सन इतना स्ट्रांग उसने इतनी फाइट की अगर चेहरे में जिसके स्कार है तो इसका मतलब वो पर्सन इतना स्ट्रांग है कि उसने चोट खा के चेहरे पर ये निशान पाया है ओके सो हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर सो दिस इज़ अ बैज ऑफ ऑनर फॉर द पर्सन हु हैज़ किल्ड द अदर वन सो हैविंग अ स्कार इज़ द बैज ऑफ ऑनर Oh, exclaimed Albert and these are the students and Albert exclaimed and said these aren't this type of students these are students well you will be a student one day said Yuri and Yuri said you will a student you will a student one okay, I doubt it had Albert glumly I don't think I'll एवर पास एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा नाउ अब अल्बर्ट ग्लोमली होता बड़े सस्पेंस के साथ वो कहते हैं कि लेकिन मुझे इसमें डाउट है मुझे नहीं लगता कि मैं पास होऊंगा स्कूल का डिप्लोमा से ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक और यही चीज़ उसने अपनी कज़न से भी कही आइंस्टाइन ने एल्सा जो कि आइंस्टाइन की, की कज़न है जो म्यूनिक से उससे मिलने आई हैं नॉर्मली शिल बर्लिन वे आर हर फादर हैड अ बिज़नेस उनकी कज़न जो है वहाँ बर्लिन में रहती हैं जहाँ उनके फादर का अपना बिजनेस है आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ़ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट नाउ शी सेट दैट शी वुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम इफ यू ट्राइड शी सेट आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूप दैन यू आर हु गेट थ्रू सो दे से यू डोंट हैव टू नो एनी थिंग So we'll stop up to here. We'll stop here. We'll start next chapter. We'll start next.